Good start. Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read 10th lesson of 4th class. The lesson name is Degree of Comparison. जैसे बच्चों आपने हमें लास्ट लेसन पढ़ा था एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव को आपको पता चल गया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. उसी वर्ड को हमें यूज़ कर सकते हैं थ्री टाइप से. तो उसको हमें कंपैरिजन में यूज़ करना है. जैसे अगर अकेला बच्चा है या कुछ भी चीज़ है, थिंग है, प्लेस है, एनिमल है, बर्ड है, ह्यूमन बींग है, अगर अकेला है तो वहाँ पर हम किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते. अगर दो बच्चे होते हैं, दो कुछ भी चीज़ दो होती हैं, तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं. या फिर एक कंपैरिजन ये होता है एक का पूरे सभी के साथ, जितने भी होते हैं मोर देन टू. तो यहाँ पर हम डिग्रियाँ यूज़ करते हैं, वो थ्री टाइप की होती हैं. जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. सेकंड है, दो की तुलना की गई है, टू को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री हमें यूज़ करनी होगी. और जब सिंगल पर्सन की कंपैरिजन किया जाता है ऑल के साथ या फिर मोर देन टू के साथ, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री. इट मींस हमारी जो डिग्री हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. आपको क्या होगा कि वो पॉजिटिव डिग्री देंगे, या तो आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए बोला जाएगा. पॉजिटिव आपको ऑलरेडी वो देंगे. तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग बट देर इज़ नो कंपैरिजन. इनके पॉजिटिव हमें वहाँ पर यूज़ करनी है जहाँ पर हमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना होता. वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू पर्सन और थिंग्स. यानी कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे कि सेकंड पिक्चर में था. वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. यानी कि जब दो चीज़ों से ज़्यादा, वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो दो से ज़्यादा ही होंगे आपके. तो इसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. जैसे कि आपको पॉजिटिव डिग्री मिलेगी, आपको उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के रूल्स हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द फर्स्ट रूल ऑफ डिग्री. सम एडजेक्टिव फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग ES टू द पॉजिटिव. मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो हमें पॉजिटिव डिग्री दी जाती है उसके साथ हम कंपैरेटिव में ER लगा देते हैं, और सुपरलेटिव में उसके साथ हम EST ऐड करके उसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं. मोस्टली यही रूल जो रूल है यही हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड. जैसे ओल्ड हमें पॉजिटिव में मिलता है, तो आप इसको कंपैरेटिव में ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर बना सकते हो, और ऐसे ही आप इसके साथ EST अटैच करके आप इसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो. यहाँ पर जितने भी है, जैसे टॉल, काइंड, यंग, स्ट्रॉन्ग, कॉल, चीप, ये सभी ऐसे ही हमें ER लगा के कंपैरेटिव बनाया, और EST लगा के हमें इन्हें सुपरलेटिव डिग्री बनाया है. नाउ वी रीड अबाउट द सेकेंड रूल. If the positive degree ends in E, we add only R and ST to form the comparative and superlative degree. यानी कि हमें क्या करना है कि जैसे हमें जो वर्ड मिलेगा उसके ऑलरेडी ई हमें लास्ट में मिलेगी, तो वहाँ पे हमें डबल ई नहीं करनी बच्चों, वहाँ पे हमें सिर्फ ओनली आर लगा के सो कंपैरेटिव हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल दिए गए हैं. और ऐसे हमें सुपरलेटिव में भी ब्रेव है, जैसे ब्रेव के साथ हमने आर लगाया कंपैरेटिव बन गया, और ब्रेव के साथ हमने ST लगाया तो सुपरलेटिव बन गया. ऐसे हमें ब्रेव के साथ वॉइस, सिंपल, प्योर, लार्ज, वाइट, इन सभी के साथ हमें यही रूल यूज करना है. नाउ वी रीड अबाउट थर्ड रूल. व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रसिडेड बाय अ वोवल. यानी कि जैसे ही आपकी पॉजिटिव डिग्री एंड होती है, जो वर्ड आपको दिया गया है लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आता है, बिफोर कॉन्सोनेंट वोवल आपका आता है. जैसे बिग है, लास्ट में जी आपका कॉन्सोनेंट है, बट बिफोर जी आई इज अ वोवल. तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ER और EST तो आपको फॉलो करना ही करना है. जो लास्ट वाला आपका वर्ड आया ना बिग में जी, उसको आपको डबल करना है कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी. जैसे BIG आपको मिला है, तो आपको यह कंपैरेटिव बनाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, BIGGER बैगर बिगर बन गया, और सुपरलेटिव में बिगेस्ट के लिए आपको डबल जी ही लगानी है. ऐसे आपको फैट में करना है, ऐसे आपको होट में, सैड और थिन, इन सभी में आपको यही रूल फॉलो करना है. नाउ वी रीड अबाउट फोर्थ रूल.
If a positive degree ends in Y and has a consonant before it, यानी कि आपकी positive degree end होती है Y letter से और Y letter के before आपका होता है consonant, तो आप करोगे क्या, Y को replace करोगे I के साथ, यानी कि Y की जगह पे आप लेके आओगे I और वही rule आपका first वाला उसके साथ fill कर दोगे ER और EST। जैसे मैरी, मैरी के हमने कंपैरेटिव बनाया तो उसमें हमने क्या किया, एम ई डबल आर आई बना दिया, हमने वाई को रिप्लेस किया आई से, ऐड किया ई आर, हमारा बन गया मैरियर। और सुपरलेटिव में हमने लगाया आई ई एस टी, वाई को रिप्लेस किया आई से। ऐसे ही आपको ईजी में, ग्लोमी, हैप्पी, नोइजी, प्रीटी, वेल्थी, इन सभी में आपको यही रूल फॉलो करना है। नाउ वी रीड अबाउट फिफ्थ रूल। We add more and most before some adjective to form the comparative and superlative degree। एक इसमें ये difference है थोड़ा सा, जो हमने पीछे जितने भी word read किए हैं उनका size क्या था, थोड़ा छोटा था, यानी कि आप ये चीज़ भी समझ सकते हो, अगर जिस adjective का size थोड़ा सा बड़ा आता है, more than 5 letters या 6 letter, तो आपको उनके साथ वही ई आर और ई एस टी वाला रूल यूज़ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हो तो आपको मोर आगे, बिफोर उस वर्ड के आगे आप मोर लगाओगे, और सुपरलेटिव में आप उस वर्ड के बिफोर मोस्ट लगा के उसको आप सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। जैसे देर इज अ वन एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, आप कंपेरेटिव में बनाओगे इसको मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में आप बनाओगे इसको मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे आपको कजिस के साथ बनाना है, ऐसे आपको डिफ़िकल्ट, फेथफुल, सैडली, हैंडसम, इन सभी वर्ड्स के साथ आपको मोर और मोस्ट लगा के आप इसको चेंज कर सकते हो कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, आवर लेसन इज़ कम्प्लीटेड, नाउ वी डिस्कस योर होमवर्क। तो आपका एक्सरसाइज ए एस में दिया गया, आपको कहीं पर पॉजिटिव ही दिया है, कहीं पर कंपैरेटिव, कहीं पर सुपरलेटिव, ही ब्लैंक्स हैं जो आपको ये फिल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इन सभी को आप रीड करोगे, लर्न करोगे, उसके देन आप इनको फिल कर सकते हो। जैसे शॉर्ट का दिया है शॉर्टर, तो इसका सुपरलेटिव आ जाएगा शॉर्टेस्ट। ऐसे ही टॉलर दिया, टॉलेस्ट दिया, तो इसका पॉजिटिव आएगा आपका टॉल। ऐसे आपको ये फिल करने हैं। और जो सेकंड है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आपको फिल करनी है। बच्चों मैं आपको एक रूल, सिंपल सा रूल है जो वो बता देते हैं, जैसे आप फिल कर सकते हो जिस सेंटेंस में आपको देन मिलता है, जैसे यहाँ पर भी है प्रिवेंशन, सेकंड है जैसे प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, तो जहाँ पर देन है इट मीन्स द कंपेरिजन बिटवीन टू, यानी कि दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन आपको मिलेगा, देन वर्ड जहाँ पे आया तो वहाँ पर आप 100% कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे आता है द वर्ड आपको मिलता है, जैसे फोर्थ में आयरन इज द डैश देन एनी मेटल, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, द के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करोगे। और जहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, सिंपल वन थिंग के बारे में बताया गया, वहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री यूज कर सकते हो। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।